आज मैं बनाऊंगी कलौंजी से चाय और कहवा। कलौंजी के वैसे भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप पानी। इस तरह से अब मैं इसमें डालूंगी हमारे इंग्रेडिएंट्स। ग्रीन टी, सब्ज पत्ती 2 चम्मच, मेन इंग्रेडिएंट कलौंजी 1/2 स्पून मैंने यहां पर डाली है। इस तरह से अब हम इसे चूल्हे पे रख के जोश देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से उबाल देना है ताकि इसका कहवा जो है वो अच्छी तरह से बन जाए, ये पक जाए। अब इसमें थोड़ा से चंद दाने सौंफ के डालने हैं। कलौंजी और ग्रीन टी सब्ज पत्ती वो मैंने चूल्हे पे नहीं रख के डाले, बल्कि ठंडे पानी में वो दोनों चीज़ें डाली हैं, लेकिन सौंफ जो है वो मैंने कहवे में डाले हैं। अब इसका कहवा जो है वो बन चुका है इस तरह से। अब मैंने कहवा अलग कर लिया है और थोड़ा सा कहवा उधर ही रहने दिया है डेगची के अंदर। अब मैंने इसमें चीनी डाली है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जितनी आप पीते हैं। अब मैं चाय बना रही हूँ। अब मैंने इसमें दूध डाला है और ये हमारी चाय भी रेडी हो गई है। अब इसे भी उबाल देना है और जब सही तरह उबल जाए तो उतार लीजिए। अब मैंने कहवा भी बना लिया और चाय भी। कहवे में मैं डालूंगी शहद, हनी, आप कोई सा भी लीजिए, डाल लीजिए जो भी आप पीते हैं। इस तरह से 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है। आप घर पे बनाइए और इंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ये दर्द वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप चाहें तो इसमें जो होती है शक्कर वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शक्कर नहीं यूज़ की, बल्कि मैंने हनी शहद इस्तेमाल किया है। लीजिए हमारी मज़ेदार चाय और कहवा दोनों तैयार हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।